मिशन 2019 में जुटी बीजेपी जहां बाकी राज्यों में हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर चुनावी जीत पर फोकस किए हुए है, वहीं बंगाल में अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पैर जमाने के लिए मुस्लिमों को भी अपने गले लगाने के कवायद में है। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन ने इंदिरा गांधी की भूमिका अदा करने के लिए तैयारी कर ली है। वे भारत की पहली ऐसी महिला होंगी जो प्रधानमंत्री का किरदार रुपहले पर्दे पर अदा करती हुई नजर आएंगी। यूपी के फतेहपुर खखरेरू थाना के एक गांव में हाथ दिखाने के बहाने एक पाखंडी ज्योतिषी ने एक महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने महिला की शिकायत पर ज्योतिषी बाबा के खिलाफ आईपीसी धारा 376 के तहत केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। मुंबई की कमला मिल्स अग्निकांड के मामले में मुंबई पुलिस ने पब मालिक कृपेश और जिगर सांघवी के साथ तीसरे आरोपी अभिजीत को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत कई दिनों से फरार चल रहा था। सांघवी ब्रदर से पूछताछ के बाद पुलिस ने अभिजीत को धर दबोचा और तीनों से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा कोतवाली इलाके में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। चारा घोटाले के मामले में बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लालू को बचाने की कोशिश करने वालों की लंबी लिस्ट। उत्तर प्रदेश के जालौन के कलेक्टर का नाम सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दावत ने ली 11 लोगों की जान। जी हाँ, आपको बता दें कि सभी लोग अपने रिश्तेदार के घर से एक समारोह में शामिल होने आए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अक्षय कुमार के अपोजिट केसरी में नजर आएंगी। फिल्म निर्माता करण जौहर ने ट्विटर पर इस खबर की जानकारी दी है। करण जौहर ने ट्विटर पर अभिनेत्री को टैग करते हुए कहा, फिल्म केसरी की मुख्य अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू हो रही हैं, तो वहीं आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हो रही है। दिल्ली के आर्मी परेड ग्राउंड पर ध्रुव हेलीकॉप्टर से रस्सी से उतरते वक्त 3 जवान मामूली रूप से घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब जवान आर्मी डे परेड के लिए तैयारी कर रहे थे।